अड़ी का शो रखा गया है। लग गए यूपी को चलने में कल 11 बजे पाक गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपको फिर से वेलकम करते हैं। सो आज का वीडियो व्लॉग हम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं लखनऊ से। ये आप देख सकती हो हमारे सामने क्या है, छोटी छोटी मछलियाँ रखी है ढाबे वाले ने, ये देखो भाई। लेकिन ये भाई बोल रहा है कि ये जो मछलियाँ हैं ये करंट पे है, मतलब करंट से ये ज़िंदा है, अगर इनकी करंट चली जाएगी तो ये मर जाएंगी। तो लेटेस्ट आज का वीडियो व्लॉग हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। साथ साथ करेंगे बिलाल भाई को। बिलाल भाई जो है अपने शहर जा रहा है, मतलब जिस गाड़ी को गुवाहाटी जाना होगा, सिलीगुड़ी जाना होगा, वो यहीं से निकलता है लेफ्ट लखनऊ क्रॉस करके, और हमें सीधा जाना है सुल्तानपुर वाले रोड से, ये आप देख सकते हो। और ऊपर से अभी जो है धूप भी खिल गई है, और ये आप बाहर से भी व्यू देखो यार। जिस रोड से हम आए हैं इसका नाम है कुर्सी बाईपास, और ये आपको नजर आ रहा है वो मेन रोड है जो लखनऊ जाता है, और यहाँ से जाता है गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, गोरखपुर वगैरह। देखो भाई, अरे देखो ब्यूटीफुल नदी क्या है इसके साथ साथ। ज़्यादा अच्छा हमें लगता है अकेले में चलना, क्योंकि अकेले चलने से अपने हिसाब से टाइम टेबल होता है, उसकी वजह से। और इसी के साथ साथ भाई साहब वेलकम टू द सुल्तानपुर, और आखिरकार ये वाला दिन भी गुजर गया है। क्या ही करेंगे, हमने जो सफर है वो से, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे अभी हम बिल्कुल चल रहे हैं बनारस वाले रोड से। अब हम सीधा यहाँ से पहुँच गए बनारस, और मैं आपको बाहर से भी दिखाऊंगा कि खेत में क्या कुछ यहाँ पे कल्टिवेट होता है। आज जो यहाँ पे खेत में फसल है वो है मस्टर्ड ऑयल है, और बहुत सारी सब्जियाँ है, गाँव भी है कहीं कहीं जगह पे, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे आज क्या है सरसों का तेल जो है वो अपने रूज पे, उनके जो पेड़ है पौधे हैं तो अपना सफर भी है वो बिल्कुल जारी है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि कल रात हम पहुंच जाएंगे, अगर धुंध नहीं रही, अगर रात को फिर से धूप रही तो फिर क्या ही कर सकते हैं। कल रात भी मतलब हम लगभग 12-1 बजे तक चले, लेकिन धुंध में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है चलना। और अभी जो यहाँ से अपना सफ़र वो एटलीस्ट रह गया है 1500 किलोमीटर कलकत्ता के लिए। और यूपी भी बहुत बड़ी स्टेट है यूपी यार, 2 दिन लगते हैं यूपी को चलने में। कल 11 बजे हम दिन को यूपी में एंटर हो गए थे, तो आज नहीं, आज फर्स्ट डे था यूपी का, कल सेकंड डे है यूपी का, और कल इसके साथ साथ ही करेंगे यूपी को बाय, और फिर पहुंचेंगे बिहार में। देखो
और गाइस अभी हम यहाँ पे जस्ट नाउ जानपुर पहुँच गए हैं। अब हमने यहाँ पे क्या काम किया, हम यहाँ पे ढाबे पे रुक गए हैं। यहाँ पे ढाबा है, यहाँ पे अपनी चाय वाय पी है, क्योंकि हमने लखनऊ से कोई सेटअप नहीं किया है। अब यहाँ से अपना वाराणसी जो है बरारा वो रह गया है 70 किलोमीटर जौनपुर से। और ये देखो भाई, और हमने अपनी जो पानी वानी जो भी है सामान वो भी यहीं से उठाया है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ढाबा जो है 24 घंटा ओपन रहता है ढाबा यहाँ पे कश्मीर के आउटसाइड। और ये देखो भाई, अभी हम निकलने की तैयारी में है, तो अभी जस्ट नाउ पहुँच जाएंगे अपनी गाड़ी के पास और निकलेंगे यहाँ से जल्द से जल्द। वाराणसी एक्सप्रेस, अभी इसी पे हम चल रहे हैं, आगे फिर हमें जाना है कोलकाता एक्सप्रेस पे। तो लेट अस चलते हैं, रखते हैं अपना सफर कंटिन्यू, देखेंगे कल रात तक मंडी पहुंच जाएंगे कि नहीं, अगर नहीं तो फिर परसों इंशाल्लाह कंफर्म है। देखो भाई, अभी जंचना हो गई है अपना बनारस क्रॉस, और अपना सफर जो है वो बिल्कुल कंटिन्यूस है कलकत्ता की तरफ। तो अभी हम आगे हैं अपने रोड पे, जिस रोड से जाना है कलकत्ता एक्सप्रेस जीटी रोड पे आ गए हैं हम यहाँ बनारस क्रॉस करके। तो ये आप देख सकते हो भाई कैसा व्यू है जीटी रोड का, इसका नाम ही ग्रैंड ट्रंक है। और ये रात को देखो कितना यहाँ पे रोड ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल। तो अब जो हमारा यहाँ से सफ़र है वो खाली रह गया 700 किलोमीटर। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कल रात तक हम मंडी पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये जो कच्चा माल है सेब, इनमें मतलब इनको भी ध्यान रखना पड़ता है, इनका भी थोड़ा टाइम टेबल होता है। मतलब बाकी जो सूखा माल हम भरते हैं उसमें मतलब टाइम वगैरह नहीं होता है, लेकिन इसमें भी सेब में भी टाइम होता है। फिलहाल हम जा रहे हैं इसी रोड से सीधा, ये है अपना कलकत्ता एक्सप्रेस। और ये देखो भाई कितना ब्यूटीफुल है, अभी अपना खाना वाना भी बना रहा है आगे कहीं पे पहुंच के। फिलहाल जो अपना सफर है वो बिल्कुल कंटिन्यूस है कलकत्ता की तरफ। और आज हमने आप सभी दोस्तों को अपने साथ लिया है, दिखाया है रास्ते में क्या कुछ होता है सब कुछ। और भाई ये देखो यहाँ पे पंप कितना बड़ा है, और यहाँ पे हर कोई फैसिलिटी अवेलेबल है ड्राइवर भाइयों के लिए। तो हम भी रात को यहीं पे सो गए थे चंदोली क्रॉस करके। ये पंप नजर आता है राइट साइड में, भारत पेट्रोलियम का पंप। और यहाँ पे मतलब पार्किंग वार्किंग, पानी नहाने का सिस्टम सब कुछ रखा है भाई ने। ये देखो भाई पार्किंग कितनी बढ़िया है यहाँ पे, कम से कम रात को 300-400 गाड़ियाँ पार्क हो जाती है। और ये रही अपनी गाड़ी भी साइड में, अब हम भी निकलेंगे यहाँ से, डालेंगे अपना तेल वेल और निकलेंगे जल्द से जल्द। तो मैं आपको आज कुछ नया सा दिखाने वाला हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगा भाई क्या मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। और ये देखो भाई यहाँ पे गाड़ी का शो रखा गया है, यहाँ पे मतलब ढाबा वाबा हर कोई फैसिलिटी अवेलेबल है, खाने पीने का, सोने का, नहाने का हर कोई फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, ये आप देख सकते हो भाई। बस अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं और चलेंगे, रखेंगे अपना सफर कंटिन्यू कलकत्ता की तरफ।